आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। मरहूम शेख सईद बावजीर के भाई शेख हसन बावजीर ने हाई कोर्ट में ये अपील की थी कि पुलिस प्रोटेक्शन इनको चाहिए और CBCID से इनके भाई के कत्ल की जांच होनी चाहिए। और क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं शेख हसन बावजीर, मरहूम शेख सईद बावजीर का छोटा भाई। मैं हाईकोर्ट के अंदर जो है सो कल फाइल करे थे CBCID के वास्ते और पुलिस प्रोटेक्शन के वास्ते। हमारे सीनियर एडवोकेट रघुनाथ साहब है, फरहान खान एडवोकेट है, दोनों एडवोकेट थे और एडवोकेट भी है इसके साथ, दो जनों के नामा बोल रहा हूँ और एडवोकेट है। वकील साहब को टाइम नहीं मिलने की वजह से बहुत देर हो गया, मगर वकील साहब ठहरते कि अल्लाह का शुक्र है। जज साहब जो है सो पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर दे दिए, पुलिस प्रोटेक्शन दियो बोल के CBCID को, पुलिस क्यों दो हफ्ते का टाइम दिया इंक्वायरी, जो पुलिस करे भी है इंक्वायरी, दो हफ्ते का टाइम दिए जज साहब के ऊपर, जज साहब को पहुंचाने के वास्ते। जज साहब उसके बाद CBCID को भी जाएगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ वकील साहब का। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है, ह्यूमन राइट्स के सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है सो निकाल के मेरे वास्ते आए यहाँ पे। वकील साहब आके जो है सो अपना काम कर, मेरे वास्ते आके आर्गुमेंट करके चले गए। उन्होंने आना बस वही था मेरे वास्ते, उन्होंने आके अपना काम करके चले गए। पुलिस को बोल रहा हूँ खास तौर पे, जो पुलिस जज साहब को देने का है इंक्वायरी जो है सो बराबर देंगी इंशाल्लाह। जो हुआ है आज पुलिस का प्रोटेक्शन जो मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ जज साहब का और वकील साहब का। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बेल कैंसिल को डाले हुआ हूँ, इंशाल्लाह थोड़े दिन में उसका भी फैसला आएगा। और चार जनों की जो डालने वाला हूँ उसका भी फैसला आएगा। जोन जोन खातिला है बराबर फिर से जेल को भी जाऊंगा इन लोगों को, इन लोगों का समझे केस हो गया खत्म, इन्हें गरीब है कुछ भी नहीं कर सकता, इंशाल्लाह फिर से जेल को भी जाऊंगा, अल्लाह मेरे साथ है। जालिमा जो है सो जुल्म करने तैयार है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है अब तक कुछ भी नहीं हुआ। परसों जो केस में अग्रीमेंट दिया FIR आज तक नहीं मिली उसकी, पुलिस क्या कर रही। जब पुलिस जो है सो तेलंगाना हुकूमत जो है सो KCR की हुकूमत थी, पुलिस कुछ भी नहीं करी, कांग्रेस हुकूमत आ गई अब तो अभी भी पुलिस वही काम करेंगी पुराना पुलिस का। पुलिस को बोल रहा हूँ जब मैं अग्रीमेंट ले लिया, पुलिस का काम है उन लोगों को ढूंढ के FIR देना, पुलिस FIR नहीं दी अब तक, कब देती FIR उन लोगों की, अटैक हो गए बाद FIR देती क्या पुलिस। पुलिस को बोल रहा हूँ बाबा उन लोगों को मिलना, नहीं तो हाई कोर्ट में फिर उनका डालूंगा। मैं बोल रहा हूँ पुलिस को खास तौर से उनका जो है सो जोन जोन लोग आते उनकी साजिश कौन करे उनको पकड़ो, जो रमजान ग्राउंड के अंदर लगाए उनकी साजिश करने वालों को पुलिस को बोल रहा हूँ पकड़ लो उन लोगों को। जो केस आए वो बुक करो कानूनी तौर पे, अगर पुलिस इससे पहले FIR जो है सो नहीं देना, एग्रीमेंट नहीं देने से अटैक हुआ, अगर पुलिस इसमें अगर उन लोगों को छोड़ देंगी तो फिर से कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदार पुलिस रहेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, अब आपको जो प्रोटेक्शन मिला क्या सिक्योरिटी मिली जी, उसकी तफसीलात क्या है। हाई कोर्ट के अंदर जो है सो मैं कुछ लोगों से मैं केस लड़ रहा हूँ बोल के, मैं कुछ लोगों जो है सो टॉर्चर कर रही तो इसीलिए मैं हाईकोर्ट में। ऑर्डर क्या मिला आपको? पुलिस प्रोटेक्शन दिए जज साहब जो है सो, शाम 5 बजे तक जो है सो ऑर्डर आ जाएगा इंशाल्लाह, ऑर्डर दे दिए जज साहब। CBCID के वास्ते दो हफ्तों का टाइम दिए, अगर दो हफ्तों में पुलिस नहीं देंगी तो वो CBCID को केस चल जाएगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख की डेट बता रही, 26 तारीख साथ भी मेरे भी घर के पास भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला दोनों। पूना मैडम बोल के नए CP साहब और रेवंत रेड्डी साहब से क्या कहना चाहेंगे? रेवंत रेड्डी साहब और जो है सो CP साहब को बोल रहा हूँ, नए कमिश्नर साहब भी अच्छे थे शंडालिया साहब का, तो शुक्रगुजार हूँ मैं जो लोगों की सीट खोल दिए पहले। अब जो नए कमिश्नर साहब है उनको बोल रहा हूँ जहाँ भी मटर आवा है साहब इन लोगों को PTR डालो, PTR नहीं डाले मटर करके आगे छूट रहे खातिला लोगों के बीच में फिर रहे। पुलिस क्या कर रही, कितने केस आए उसके ऊपर, 27 केस आते वार्डी शीटर चुप बनाओ ने, 27 खत्म कर लिया, दो तो है वहाँ पुराना वार्डी शीटर है। पुलिस चाहती अगर तो इन लोगों के ऊपर जो है सो वार्डी शीट खुल गई, PTR डालती थी PTR नहीं डाली पुलिस इन लोगों के ऊपर, कई गुने डाली PTR, A1 के ऊपर 6 केस है पुलिस फिर भी छोड़ दी उसको, PTR नहीं डाली पुलिस, इसमें नाकाम बताई गई, खुला नाकाम है, इसीलिए हाईकोर्ट को आया मैं। शुक्रिया, खुला चारों की वार्डी शीट खुल गई, पहले A1 की खुल गई, अहमद तिना जब की, अहमद सादी की, अब्दुल्ला सादी की, साले की, उमर की। कितना टाइम हो रहा है इंसिडेंट हो के आपके भाई का? 6 महीने होते अब,
5.5 महीने हो गया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।